हेलो एवरीवन, राजस्थान में नई भर्ती का एक नया नोटिस जारी हो चुका है। शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती आई है। कुल पदों की संख्या 6843 पद हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है। आयु, योग्यता, वेतन क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अधूरी जानकारी ली, सबसे ज़्यादा गलती आप लोग यहीं पर करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है आप लोगों को जब वीडियो आप देख लेंगे तब आपको समझ में आएगी। तो ये जो है शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर राजस्थान सरकार की तरफ से, विज्ञप्ति संख्या 1/2023-24 के लिए। पद का जो नाम है शिक्षा अनुदेशक है, 4143 पदों की संख्या है। कंप्यूटर अनुदेशक इसके लिए जो है पदों की संख्या 2700 यहाँ पर निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 25 नवंबर तक चलने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में दूंगी। विस्तृत विज्ञापन बोर्ड की जो मेन वेबसाइट पर इस पर उपलब्ध हो जाएगा जब आवेदन स्टार्ट होंगे 27 अक्टूबर। ठीक है, अब जो है पिछली जो इसी की भर्ती हुई थी उसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि अभी जो है संविदा के आधार पर ये वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि जो संविदा का सेवा की जो अवधि है वो कम नहीं है। पिछली भर्ती में मार्च में ही जो भर्ती आई थी शिक्षा अनुदेशक की, तो इसमें जो है शिक्षा अनुदेशक ग्रेड सेकंड में 9 वर्ष का जो है संविदा सेवा की अवधि थी और 18 वर्ष जो है यहाँ पर शिक्षा अनुदेशक ग्रेड फर्स्ट की भर्ती निकाली गई। ठीक है, और इससे पहले जो ये टीचर्स थे ये किस पोस्ट पर काम कर रहे थे, मदरसा पैरा टीचर्स की पोस्ट पर काम कर रहे थे। उसके बाद जो है इनके पद का नाम जो है वो बदलकर हो गया शिक्षा अनुदेशक। ठीक है, अभी जो है पिछली जो भर्ती है पहले उसको आप समझें। 13 मार्च 2023 को ये विज्ञप्ति जो है वो जारी हुई थी, डिटेल में एडवर्टीजमेंट आया था। यदि जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो बिल्कुल जान ले। उस वक्त भी जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही जो है वैकेंसी यहाँ पर आई थी। बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट ये नाम सुनकर ही जो है फॉर्म नहीं भरे। ठीक है, और यही गलती जो है हो गई। अब की बार जो है आप लोगों को ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो पद का जो नाम था उस वक्त मदरसा पैरा टीचर्स था और पदों की संख्या 5656 निकाली गई थी। यहां पर शैक्षणिक योग्यता जो मांगी गई थी बीएड, डीलेड और बीएसटीसी, अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पर और भी चीजें आप अच्छे से पढ़ लें। प्रशासनिक विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक जो कि बीएड, बीएसटीसी, डीलेड योग्यताधारी है, उनका संशोधित जॉब चार्ट जो है निर्धारित आगे किया जाएगा। यानी इनका पद जो है वो बदला, शिक्षा अनुदेशक के नाम में हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो स्टूडेंट बीएड, बीएसटीसी, डीलेड योग्यताधारी जिनका कंप्लीट नहीं है, उनका पूर्व में निर्धारित पद नाम जो है वो यही रहा। यानी जिनका कंप्लीट है उनका तो आगे जाकर जो है शिक्षा अनुदेशक इस नाम से बदल गया और सैलरी भी उनकी काफ़ी बढ़ गई। और जिनका जो है बीएड, बीएसटीसी, एसटीसी कंप्लीट नहीं था तो उनको ये सैलरी जो है वो मिल रही थी। उसके बाद जो है इनके पद का नाम जो है वो बदल गया, पद का नाम शिक्षा अनुदेशक हुआ। 9 वर्ष की और 18 वर्ष की सेवा अवधि के लिए इनका चयन किया गया। 29600 यहाँ पर मासिक संशोधित पारिश्रमिक, यानी यहाँ पर सैलरी बढ़ गई और इनको अभी जो है इतनी सैलरी मिल रही है शिक्षा अनुदेशक ग्रेड सेकेंड को, और शिक्षा अनुदेशक ग्रेड फर्स्ट को 51600 जो है पर मंथ दिए जा रहे हैं। और भी यहां पर देखें इंपॉर्टेंट लाइन, उपरोक्त अनुसार राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक या वित्त विभाग द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश नियम प्रभावी होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि पहले जो है 1 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया, उसके बाद जो है इन्हीं की पोस्ट को जो है वो आगे बढ़ा दिया, शिक्षा अनुदेशक मदरसा पैरा टीचर्स का नाम बदलकर शिक्षा अनुदेशक हो गया, और अब भी जो है आगे जो है इनके जो नियम हैं यानी कि 9 वर्ष और 18 वर्ष इसको भी आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये वैकेंसी ज़्यादा पहले की नहीं है, 13 मार्च 2023 की है। ठीक है, और अभी जो हमने बात की है ये बिल्कुल फ्रेश एडवर्टीजमेंट है, नया जो है ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है 2023-24, विज्ञप्ति संख्या 1/2023-24। अभी जो है संविदा के आधार पर ही जो है हायर किए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शिक्षा अनुदेशक का भी पद है और कंप्यूटर अनुदेशक ये एक और नया पद यहाँ पर आया है।
तो यहाँ पर संविदा के आधार पर ये सोचकर जो है वो बिल्कुल मिस नहीं करना है आप लोगों को, बिल्कुल भरना है यहाँ पर। आपने बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, एसटीसी किया है, शिक्षा अनुदेशक के लिए आप योग्य रहेंगे, और जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर योग्य माने जाएंगे। जैसे ही डिटेल में एडवर्टीजमेंट जारी होगा मेन वेबसाइट पर, मैं आप लोगों को बिल्कुल वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आप लोग जो है बिल्कुल एक्टिव रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो बनता है आप लोगों तक सूचना मिल सके। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं जॉब से संबंधित, चाहे वह गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, मेरे चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल सही समय पर मिलते हैं। चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, आपके काम का लगता है, तो आप इसको लाइक भी करते जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।